तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फीवर क्या होता है। फीवर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसका एक टेम्परेचर होता है, एक जो प्रॉपर टेम्परेचर है जो है 37 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं। जितने भी हमारे हॉर्मोन्स है, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल्स है, वो सबको एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो वो टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस अच्छे से होते हैं। लेकिन जब वो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर रेज हो जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 98.6 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है, तो उसे हम फीवर कहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको तो दिख रहा होगा कि आपकी बॉडी में बहुत स्लगिशनेस आता है, भूख नहीं लगती और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं अलग अलग टाइप के फीवर में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक टेम्परेचर के आगे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग ऑल्टर हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। तो ये फीवर का डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के फीवर कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब हम देखेंगे और क्लिनिकल फीचर्स वगैरह क्या है तब। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू द जीन मोरबिली वायरस इन द फैमिली पैरामीक्सोलिडेरिया। ठीक है, एनवेलप्ड जो वायरसेस होते हैं उनके भी कैटेगरीज होते हैं अलग अलग। इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो वायरस होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, उसको वो बिलोंग करते हैं और एनवेलप्ड होते हैं। और उनका जीनस क्या है? मोरबिली वायरस है। और फैमिली क्या है? पैरामीक्सो वायरस। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब आपके बॉडी में वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर किया है, तब से लेके जब तक आपको सिम्टम दिखते हैं उसके, वो पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो इसमें 7 to 14 days है एंड टिपिकली अबाउट 10 days फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर फॉलोड बाय रैश, 14 days आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, और 10 days में क्या होता है, जब आपको एक्सपोज हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में 10 days के बाद में फीवर स्टार्ट होता है और उसके बाद में 14 days के बाद में रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि ये डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, किस हाँ वे थ्रू, ये इसमें आता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ्स और स्नीज। ठीक है, एयर से ट्रांसमिट होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हमारे उसके थ्रू। और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उन्होंने अगर खांस दिया या उन्होंने स्नीज कर दिया, तब ये वहां से स्प्रेड हो जाते हैं। हाईली कॉन्टेजियस, द वायरस कैन रिमेन इन्फेक्शियस ऑन सर्फेसेस एंड इन द एयर फॉर अप टू 2 आवर्स। यानी कि बहुत कॉन्टेजियस है ये, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है वायरस जो है ये। इन्फेक्शियस रह सकता है सर्फेसेस पे, अगर रह गया तो भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, और ये एयर में जो है 2 आवर्स तक रह सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे क्या दिया गया है, वापस वही बताया गया है 10 to 14 days। और इसके दो फेजेस बताए गए हैं यहाँ पे, एक है प्रोड्रोमल फेज और एक है एग्जांपल फेज। तो प्रोड्रोमल फेज में क्या होता है, 2 to 4 days तक वो लास्ट करता है। उसमें क्या होता है, ये पहले का फेज है एग्जांपल फेज, उसके बाद में होता है। तो प्रोड्रोमल फेज में क्या दिखता है हमें, हाई फीवर दिखता है। वो फीवर क्या होता है, ऑफन अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि बहुत ही हाई फीवर रहता है। इसके बाद क्या दिखता है हमें, कॉफ परसिस्टेंट एंड सीवियर, यानी कि इसमें खांसी भी होती है जो परसिस्टेंट रहती है, जो कंटिन्यू ही रहती है, उसमें थोड़ा भी ब्रेक नहीं रहता और बहुत सीवियर होता है। कोरीजा, रनी नोज, यानी कि जो है बहुत ज्यादा ये रहता है, रनी नोज रहता है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है पेशेंट को। कंजंक्टिवाइटिस, रेड वॉटरी आई, यानी कि आंखें जो है आंखें बहुत लाल हो जाती है, बहुत वॉटरी हो जाती है आंखें। ऑप्लिक स्पॉट, स्मॉल व्हाइट स्पॉट ऑन द बकल म्यूकोसा इनसाइड ऑफ द चीन, ऑफन कंसिडर्ड पैथोग्नोमिक हॉर्न। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं, वो क्या होता है कि जो साइड होते हैं हमारे चीक्स के, जो ये अंदर वाले पोर्शन होते हैं, वहां पे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। इसे मीजल्स में जो है ये एक साइन माना जाता है। एग्जांथम फेज, ठीक है, इसमें क्या दिखेगा हमें अभी, रैश। सबसे पहले रैश, दैट इज रेड ब्लॉटी स्पॉट्स ऑन द फेस एंड स्प्रेड डाउनवर्ड टू द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी। यानी कि स्टार्ट कैसे होता है, रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर, अभी नीचे जाते हैं ट्रंक की तरफ, जो हमारा ट्रंक होता है गले के नीचे का पोर्शन, वो ट्रंक होता है। वहां से लेके जो एक्सट्रीमिटीज है, जो हाथ है, जो पैर है, वहां तक ले जाता है।
रैश कोलाइसिस इनटू लार्ज पैचेस एंड मेनी स्किन पेन। और ये जो रैशेज है, या अगर दो तीन रैशेज एक साथ अगर अति ग्रुपिक हो गए तो ये सब साथ स्प्रेड होते होते एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। और इसके वजह से जो स्किन है वो पील हो सकता है, यानी कि स्किन जो है उसका जो लेयर है वो निकल सकता है। ड्यूरेशन, रैश अपियर 3 to 5 days आफ्टर द इनिशियल सिम्टम एंड लास्ट फॉर अबाउट अ वीक। तो ये जो रैश है ये 3 to 5 days स्टार्ट हो सकते हैं इनिशियल सिम्टम्स आने के बाद में, और फिर 1 week तक ये रह सकते हैं। अदर सिम्टम्स, इसमें कि दूसरे सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, जनरल मलाइस एंड फिटी, यानी कि नॉर्मली बॉडी में बहुत थकान रहेगी बहुत ज्यादा। सोलर लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ के नोड्स रहते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे, वो स्वेल हो जाते हैं। तो बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेल हो जाते हैं। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं रहती है। मोस्टली जितनी भी फीवर है ऑलमोस्ट सब में एनोरेक्सिया जो है ये एक फीचर दिखाई देता ही है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत हैम्पर हुआ रहता है उसके कंडीशन में। उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, निमोनिया होता है, एंसेफेलाइटिस होता है, ईयर इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि ARDS ये होता है। उसके अभी क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या होंगे और इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे, तो कॉप्लिक स्पॉट ठीक है, जो अभी हमने देखा कि बकल म्यूकोज़ा पे जो होता है व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स होते हैं जो इनसाइड ऑफ द चीक में होते हैं, वो सब कॉप्लिक स्पॉट में एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फीचर है जो देखा जाता है। फिर क्या है, मैक्यूलोपैपुलर रैश ठीक है, यानी कि इट बिगिंस एट द हेयर लाइन स्प्रेड्स टू द फेस एंड ट्रंक, यानी कि जो हेयर लाइन है जो ये लाइन होता है हेयर का वहां से लेके स्प्रेड होता है पूरे फेस पे, और फिर ये नीचे ट्रंक तक जाता है और फिर ये हाथ पैर तक जाता है, तो इसे माइक्रोपैपुलर रैश कहते हैं। फीवर, कॉफ, रनिंग, तो फीवर भी रहता है इसमें, कॉफ रहता है इसमें, रनिंग नोज होता है। इन्वेस्टिगेशन, तो जिसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किए जाते हैं, सीरोलॉजी, मेजरिंग निसल स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी ठीक है, यानी कि जो सीरम है उसका इसमें डायग्नोसिस होता है, और जिसमें निसल से स्पेसिफिक जो IgM एंटीबॉडीज है उसका टेस्ट किया जाता है।